वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चा जब माँ के पेट में होता है 4 महीने में उसमें रूह पड़ती है तो एक फरिश्ता लिख देता है कि कितने दिन जिंदा रहेगा। कुछ के बारे में लिखा होता है चंद सेकंड, लिहाजा वो मां के पेट में ही मर जाता है। अभी जिंदगी मिली है और दुनिया में आने से पहले मर गया। और किसी के बारे में लिखता है कि ये पैदाइश के 1 घंटे के बाद मर जाएगा, किसी के बारे में लिखा होता है कि ये 4 साल के बाद मरेगा, किसी के बारे में लिखा होता है 80 साल तक जिएगा। अभी मैं एक बुजुर्ग से मिला कल, 80 साल उनकी उम्र है, देखने में 60 साल के भी नहीं लगते वो। तो मुझसे कुछ मुख्तलिफ किस्म के सवाल कर रहे थे। मैंने कहा हजरत आप हमसे सवाल ना करें, हमें सवाल करने दें। क्या सवाल? मैंने कहा आप क्या खाते हैं, ठीक है ना, 80 साल की उम्र है आपकी, माशाल्लाह आप तो बिल्कुल जवान है, ऐसे चल फिर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि वो नहीं खाते हैं इसलिए माशाल्लाह, यानी बहुत कम खाते हैं वो इसलिए माशाल्लाह इतनी उम्र है। हम सारा फोकस करते हैं किसको? खाने को। तो भाई यही तो सबसे बड़ा मसला है, खाने से ही तो उम्रें कम हो रही है, कम खाएंगे तो उम्र बढ़ जाएगी, सेहत अच्छी होगी। तो हर एक की उम्र है, किसी के बारे में फरिश्ते ने लिख दिया 100 साल जिएगा वो। अब जिसके बारे में 100 साल लिख दिया, उसको मारने की कोई कितनी ही कोशिश करे, गोलियां उसके दाएं बाएं से गुजर जाएंगी, उसको कोई भी गोली नहीं लगेगी।